ठीक हो जाए मम्मी, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता कुछ भी हो। मम्मी जब डांटती रहती है कुछ कुछ करती। क्या ऐसी है? और इसमें भी डाल देंगे थोड़ी सी मिर्च भी डाल दो थोड़ी सी। गाइस बहुत बुरी हालत हो रही है यहाँ। तो गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग, होप करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो भाई हो गए सोख सोख उठ गए थे और तैयार वैर हो गए थे। और अपना भाई आज हमने अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बनाया क्योंकि मम्मी की अभी तबीयत ख़राब। कल तो उनका फीवर उतना ही नहीं था, 2 पहुंच गया था मैक्स, और रात में भी उनका 2 ही बुखार था। बट लेकिन आज जब मैं सो के उठी तो थोड़ा कम था उनका, बट लेकिन वो फिर बढ़ना शुरू हो गया है। तो कोई नहीं, अब इनको थोड़ा रेस्ट ही करने देते हैं। बाकी उनको नींद, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि नींद ही नींद आई जा रही है। उन्हें तो सही है, अपना थोड़ा रेस्ट करेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगी, जल्दी रिकवर हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक ऐसे ऐसे घूम के आए ना तो उसके से थोड़ा हो गया है। बाकी देखो आई होप कि ठीक हो जाए मम्मी, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता कुछ भी हो। मम्मी जब डांटती रहती है ना कुछ कुछ करती रहती है, बेमतलब बोलती रहती हैं कि ये संभाले वो संभाले, तब अच्छी लगती है। ऐसे बेड पर आराम करते हुए, मतलब आराम करते हुए जैसे बीमार अच्छी नहीं लगती। तो फिर वैसे आराम कर रही हो तो फिर तो कोई बात नहीं, बट लेकिन ऐसे बीमार बीमार अच्छी नहीं लगती। तो आई होप कि जल्दी से मेरी माँ ठीक हो जाए। ठीक है इस, तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं, पापा की हेल्प कराते हैं थोड़ा बहुत काम में। और बाकी आज जाएंगे जिम तो दिखा देंगे वहाँ जो भी थोड़ा बहुत करेंगे। ठीक है इस, तो अभी चलते हैं और थोड़ी देर आपसे मिलेंगे। मम्मा थोड़ा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है पहले से। क्या ऐसी है? खांसी में थोड़ा आराम है या नहीं? नींद आ रही है? बोलने का मन नहीं कर रहा? चलो ठीक है रेस्ट कर लो आप। तो भाई रेस्ट करने जाते मम्मी को, मम्मी का बात बात करने का ऐसे मन नहीं कर रहा। थोड़ा लग रहा होगा वीकनेस वगैरह, या होता है कि जब बीमार होता है फीवर होता है तो मन नहीं करता बात करने का। सेम ऐसा मेरे साथ भी होता है, मेरा भी मन करता है कि ठीक है बस थोड़ा लेटे रहो और ज़्यादा बोलो बोलो मत। तो सेम उनके साथ भी ऐसी हो रहा है, तो जल्दी ठीक हो जाए, बाकी देखते हैं। तो गाइस मम्मी बीमार हैं जैसे, और अब आ रही है होली थोड़ा टाइम बाद। तो देखो हमने तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग ना राई का पानी डालते हैं जिसमें गाजर और चुकंदर वगैरह डालते हैं, चुकंदर का पानी। तो मम्मी ही डालती थी हमेशा, बट लेकिन अभी मम्मी बीमार है और उसको फिर ना थोड़ा उठने में लाइक उसको अच्छे से बनने में ना टाइम लगता है, अराउंड उसे 10 दिन तो लगते हैं। तो बेसिकली अब पापा डाल रहे हैं मम्मा से पूछ के, है ना पापा? आपने डाला है इससे पहले? पहली बार डाल रहे हैं पापा भी, वरना तो हमेशा हमेशा मम्मा डालती है। और आज इस बार देखते हैं कि पापा के हाथ का कैसा होगा। पापा अच्छा से बनाना। तो बेसिकली ये मेरे लिए बन रहा है क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है वो खट्टा खट्टा पानी, और जब उसमें वो आती है ना गाजर, तो गाजर भी डाल देना अच्छे से, वो बाद में डालती है, वो लास्ट में डालती है जब उठ जाता है ना पानी, वो तब डालती है। मतलब जब अच्छे से पानी पूरा तैयार हो जाता है उसमें खट्टा पानी आता है तब डालती है। तो ऐसे हम लोग अब डाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपना। ये कोई मसाला है मुझे पता नहीं कौन सा मसाला है, समस्या नहीं आ रहा है, पूछते हैं। ये इसमें डलेगा, फिर ये उबला हुआ पानी डलेगा और फिर इसको इन बोट में कर देंगे और फिर ढक के रख देंगे। ये कौन सा मसाला है पापा? मसाला कौन सा है? ये राई है, राई को पापा ने घिस लिया है। ठीक है गाइस, तो जिस दिन बन जाएगा उस दिन आपको दिखाएंगे, रोज दिखा देंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है गाइस, और हाँ एक बार जरूर ध्यान रखना कि जो ये पानी है ना उसको बार बार उगाड़ना नहीं चाहिए। मतलब एक बार आपने बोट में डाल दिया उसके बाद बार बार उगाड़ के लेकर चाहिए, जितनी हवा लगती है ना फिर उतनी देर में वो उठता है और फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। देखो गाइस जिसमें तो पापा ने पानी डाल दिया है, अब उसमें भी डाल रहे हैं। मेरे पापा ऑल राउंड डालेंगे गाइस। इसमें डाल दिया अब राई भी डाल देंगे इसमें पीसी हुई, और इसमें भी डाल देंगे थोड़ी सी मिर्च भी डाल दो थोड़ी सी। अच्छा इस छोटे वाले में तो चुकंदर का बनेगा आई एम श्योर, गाजर का क्यों उल्टा पुल्टा कह रही हूँ मम्मा? चुकंदर को तो कम पीते होते हैं, मैं गाजर भी ज्यादा पीता हूँ, ऐसे कैसे? मम्मी चुकंदर का छोटे में और गाजर का बड़े में, चुकंदर का बड़े में क्यों? मेरे
सही कह रही है, गाजर का छोटे में अभी थोड़े से हल्का कर दें पापा के, फिर आप सुनेंगे। गाइस बहुत बुरी हालत हो रही है यहाँ पे, तो भाई हम तो गए नहीं जिम, थोड़ी देर में जाएंगे, आगे बहुत सारा जाम था तो वापस आगे यहाँ से मोड़ लेंगे। जिम तो जा नहीं पाए क्योंकि बहुत जाम लग रहा था भाई, बहुत जाम की मतलब स्कूटी अगर हम लोग स्कूटी चलते हैं ठीक है, गाड़ी से नहीं चलते स्कूटी चलते हैं, तो गाड़ी अपनी पार्क करी हमने अपनी और अपना स्कूटी जा रहे थे, तो देखा भाई वापस भी वापस आएगी नहीं आएगी स्कूटी, ऐसा हाल था, तो चलो एक बार पहुँच जाओ फिर वापस आएगी नहीं आएगी ऐसा हाल है, तो यार देखते हम जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मुश्किल लग रहा है कि आज जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पर मेरा मन था कि आज जाने का ना क्योंकि बहुत टाइम हो गया। चलो कोई नहीं देखते हैं क्या होता है, वरना सुबह देखते हैं, सुबह का कर लेते हैं प्लान, थोड़ा जल्दी हो जाएंगे दो तीन दिन जब तक ये काम चल रहा है, फिर मिलते हैं आपसे, सॉरी फिर चलते हैं जब।